अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने केमिस्ट्री का पेज नंबर 9 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी और कुछ एग्जांपल्स की। आज जो है वो हम इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के यूनिट क्या है। हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो प्रोडक्ट है उन्हें हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, मींस के ऊपर वाली साइड पर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें डिनोमिनेटर मींस के नीचे वाली साइड पर लिखते हैं। तो इसके यूनिट्स किस तरह से ड्राइव किए जा सकते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। एक हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये मिलकर बनाते हैं 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है। तो इसमें हम केसी के यूनिट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हों बोथ साइड्स पर, प्रोडक्ट्स की साइड पर भी और रिएक्टेंट्स की साइड पर भी। अब ये देखिए, 1 mole हाइड्रोजन का था, 1 mole आयोडीन का था, टोटल 2 हो गए, और जो प्रोडक्ट्स बनी है वो भी 2 moles ही बनी है, मींस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस में केसी जो है उसके कोई यूनिट नहीं होते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट नहीं होते, क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में। अब हमने कहा था कि इनके यूनिट्स होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसी तरह से इसे यूनिट्स में मेंशन करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये ऊपर स्केयर है, नीचे वाले जो हैं वो इससे कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके नतीजे में हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। अब इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, 2 moles रिएक्टेंट्स के थे और जो प्रोडक्ट बनी है वो भी 2 moles ही बनी है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन में हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन, 1 mole ऑफ नाइट्रोजन और 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बनाते हैं 2 moles ऑफ अमोनिया। अब इस रिएक्शन में देखें, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, मीन्स के इक्विलिब्रियम के सी जो है वो इक्वल हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस सिचुएशन में देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ये 1 mole है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन जो है ये 3 moles है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो ऊपर वाला स्केयर है इनको कैंसिल कर देगा,
वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये और वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये, क्या आ जाएगा हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब ये ऊपर आ जाएंगे तो इनकी इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मोल माइनस टू और डेसीमीटर सिक्स। तो इन दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो उन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं होते, लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हों उनमें यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है 9.1। इस प्रॉब्लम में हमने केसी की वैल्यू ड्राइव करनी है, देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें दिया गया है वन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। नेक्स्ट जो है इसकी इक्वेशन दी गई है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है इनकी वैल्यूज दी गई हैं। कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि केसी की वैल्यू क्या होगी और साथ उसके यूनिट्स क्या होंगे। पेज नंबर 10 प्रॉब्लम 9.1। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है। गिवन डाटा जो कॉन्सेंट्रेशंस हमें दी गई हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। हाइड्रोजन जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन की वैल्यू है हमारे पास 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। कैलकुलेट हमने क्या करना है, टू फाइंड KC मीन्स के इसमें हमने KC की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा था कि केसी जो है वो किसके, केसी किसके इक्वल होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनके वैल्यूज पुट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या वैल्यू थी 0.49 डिवाइड बाय हाइड्रोजन की वैल्यू है 0.05 और आयोडीन की वैल्यू है 0.06। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल आएगा 0.2401 और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास क्या आएगा 0.0030। अब 0.2401 को डिवाइड कर देंगे 0.0030 से तो आंसर हमारे पास आएगा 80। इस रिएक्शन में हमारे पास कोई यूनिट नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम हो
दो ऐसे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। तो इस रिएक्शन में हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं होंगे। 80 इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास पेज नंबर 11 पर। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेल्सियस एज फॉलोज। ये क्वेश्चन दी गई है हमें, इधर नाइट्रोजन का 1 मोल और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इन गैसेस के गिवन है, नाइट्रोजन की भी, हाइड्रोजन की भी, अमोनिया की भी। सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन में भी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं ये किस तरह से फाइंड होगी और इसके यूनिट्स क्या होंगे। पेज नंबर 11, प्रॉब्लम 9.2। जो हमारे पास डाटा गिवन है वो लिखेंगे पहले, गिवन डाटा। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन, इसकी वैल्यू है 0.602 mol/dm³। हाइड्रोजन की वैल्यू है हमारे पास 0.420 mol/dm³। NH3 जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू है 0.113 mol/dm³। अब इस रिएक्शन में भी हमने केसी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा जैसा कि प्रॉब्लम 9.1 के था। केसी जो है ये इक्वल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन कैसे आएगा हमारे पास इसकी इक्वेशन लिखने से, N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, NH3 की वैल्यू है 0.113 स्क्वायर हो जाएगा, नाइट्रोजन की वैल्यू है 0.602 और हाइड्रोजन की वैल्यू है 0.420। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.286। अब इस रिएक्शन में हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, हम लोगों ने पीछे ये किया था